प्रॉपर्टी जो है जिनका अप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट सेम लैंग्वेज आएगी, कुछ प्रॉपर्टी का वो लैंग्वेज सेम नहीं होगी बल्कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज हो जाएगी उसको हम कहेंगे नेगेटिव क्लोजर, जो सेम रहेगी उसको कहेंगे पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर में कौन सी लैंग्वेज आती हैं CFL की, पॉजिटिव प्रॉपर्टी कौन सी हैं, उनको वन बाय वन चलते हैं। पहली है यूनियन। यूनियन पॉजिटिव क्लोजर है। क्या मतलब है? अगर आपके पास L1 है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, L1 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, और L2 जो है वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, तो जब दोनों कॉन्टेक्स्ट फ्री को आप कंबाइन करेंगे, यूनियन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगी? कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो हम कहेंगे पॉजिटिव क्लोजर है। उसकी एग्जांपल देखें, एक लैंग्वेज है ANBN L1 और दूसरी लैंग्वेज है WWR रिवर्स। अब लैंग्वेज ANBN की ग्रामर क्या है? ये वाली S1 प्रोड्यूस A S1 B R लैम्डा। प्रोड्यूस करेगा A और B बराबर होंगे, और नहीं तो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, लैम्डा प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और जब स्टॉप करना होगा तब भी लैम्डा प्रोड्यूस करेगा, मल्टीपल टाइम में ये प्रोड्यूस करेगा, एस प्रोड्यूस A1 B A B A B A B A B, और बाद में जब ख़त्म करना होगा क्या करेगा? तो इस सूरत में नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ बी क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी WW रिवर्स में क्या है? S2 प्रोड्यूस करेगा AA S2 या BB उसके दरमियान S2, और या कर देगा अपने आप को लैम्डा। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? ये होगा AA S2, और S2 में अगर दूसरी प्रोडक्शन में ये यूज़ करें तो ये होगा AB और BA। तो ये AB और BA रिवर्स है, WW रिवर्स, S2 हो गया। यूनियन करते वक्त क्या करेंगे? हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका नाम है S, वो प्रोड्यूस करेगा या तो S1 या S2। यूनियन हो गया। और लैंग्वेजेस यूनियन करते वक्त क्या करेंगे हम? ANBN की जो जितनी भी स्ट्रिंग है उनको यूनियन कर देंगे WW रिवर्स की स्ट्रिंग के साथ। तो इस सूरत में यूनियन हमारा क्या हो गया? दोनों की लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें ऐसी स्ट्रिंग भी होंगी ANBN वाली भी, और ऐसी लैंग्वेज भी होंगी स्ट्रिंग भी होंगी जो WW रिवर्स की है, दोनों ही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनियन। सर में से किसी एक लैंग्वेज को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं? हाँ बताइए कौन सी को करूँ? L2 को एक्सपेंड कर, L2 को एक्सपेंड कर देते हैं। कितनी दफ़ा एक्सपेंड करवाएंगे आप? S2 प्रोड्यूस A S2 A B S2 B और लैम्डा। अगर आप प्रोड्यूस करवाएं इसके, पहली दफ़ा प्रोडक्शन करूँगा S2 A, इसको मैं सेकंड प्रोडक्शन यूज़ करूँ तो वो हो जाएगी A B S2 B A। एक और दफ़ा सेकंड प्रोडक्शन यूज़ करूँ तो क्या बनेगा? सेकंड टाइम दोबारा इसको यूज़ करूँ तो A B B S2 B B A। अब इसको लैम्डा बनाएंगे तो क्या बनेगा? A B B लैम्डा हो गया, B B A, A BB AA, ठीक हो गया। कितनी दफा करवा लें इसको उसी सीक्वेंस में बनेगा? पहला करवा लें ABA, वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो गया। सो यू कैन प्रोड्यूस इट। तो इन जर्नलाइज वे हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है L1 और L2, उनकी ग्रामर होगी G1 और G2, G2 विथ स्टार्ट वेरिएबल ऑफ S1 और S2, इनका कंबाइन करके हम एक यूनियन बना सकते हैं जिनका एक कंबाइन वेरिएबल हो स्टार्ट S, जो हमें लेके जाएगा S1 पे और S2 पे। और S1 और S2 बता चुके आ चुके हैं कि उससे ग्रामर बनेगी कौन सी, S1 ये बनाएगी और S2 ये बनाएगी, ठीक है। तो यूनियन आपकी प्रॉपर्टी पॉजिटिव क्लोजर में आती है। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉन्केटिनेशन। सेम कॉन्केटिनेशन में क्या होगा? कोई एक लैंग्वेज पहले आएगी कोई दूसरी बाद में आएगी, तो ये बन गई L1 L2, उल्टा कर दें L2 L1। ये सर जो लैंग्वेज थी वो उसको सेटिस्फाई तो नहीं करती। किसको सेटिस्फाई नहीं कर? ये जो आपने एक्सपेंड की ये उसकी ग्रामर थी, उसकी जो लैंग्वेज थी वो जरा दिखाएं उसकी। WW रिवर्स है तो ABB और BBA, ठीक है सर। करें थैंक यू। L1 L2 में L1 पहले आएगी लैंग्वेज, L2 बाद में आएगी, उल्टा भी कर सकते हैं इसको, L2
L1, तो कंकेटिनेशन जो है या तो L1 L2 होगा या L2 L1 होगा। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं कि आपकी वही लैंग्वेज दो हैं, L1 S1 L2 और S2। कंकेटिनेशन में अगर आप L1 को पहले रख रहे हो तो ये बनेगा ANBN followed by WW reverse, तो उस सूरत में आप रखेंगे S S1 S2, और अगर आपकी L2 L1 है तो कर देंगे S2 S1, बस बाकी सेम है, वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो कंकेटिनेशन की प्रॉपर्टी भी हमारी पॉजिटिव क्लोजर में है, तो हम यही बात दोबारा कंकेटिनेशन के लिए कहेंगे कि वही L1 L2 G1 G2 S1 S2। कंकेटिनेशन ये होगा कि आप एक नया वेरिएबल बनाएंगे S, जो कि इनिशियल S1 और S2 किसी एक पे ले जाएगा। ठीक है, वो S1 और S2 जनरेट करेगा। अगर आप सिर्फ S1 बनाना चाहते हैं तो S2 को लैम्डा जनरेट करवा दें, क्योंकि हमारे पास S2 क्या है, लैम्डा जनरेट कर रहा है यहाँ पे। अगर आप S1 को स्टॉप करवाना चाहते हैं तो S1 से लैम्डा जनरेट करवा दें, दोनों को स्टॉप करवाना चाहते हैं दोनों से लैम्डा जनरेट करवा दें, दोनों को जनरेट करना चाहते हैं दोनों से स्ट्रिंग जनरेट करवा लें, ऑल पॉसिबिलिटीज कवर हो जाएंगी। अनदर इज ए स्टार। स्टार क्या होता है, उसी लैंग्वेज की परम्यूटेशन। तो एल इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, एल स्टार इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री। स्टार का मतलब है मल्टीपल टाइम दैट लैंग्वेज इज रिपीटेशन। एल ए एन बी एन है, एस प्रोड्यूस एस बी लैम्डा। स्टार क्या होगा, ए एन बी एन का स्टार, ए एन बी एन का स्टार क्या है, S1 प्रोड्यूस S1 और S, S1 और S, S1 और S, S हम बना के आ चुके हैं। S क्या करेगा, ए बी प्रोड्यूस करेगा, या डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स का बना लें या किसी और लैंग्वेज का बना लें, तो वो उसकी क्या करेगा, उसके मल्टीपल टाइम प्रोड्यूस कर देगा। इट कैन प्रोड्यूस डायरेक्टली लैम्डा, इट कैन प्रोड्यूस दिस स्ट्रिंग। इफ इट प्रोड्यूस दिस स्ट्रिंग, S1 विल जनरेट ए एन बी एन, और S1 विल रिपीट, अपने आप को रिपीट करेगा, और जितनी दफ़ा रिपीट करना चाहें वो रिपीट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम मल्टीपल कापीज बन जाएंगी, और कोई लिमिट नहीं है कि कितनी दफ़ा रिपीट करे। इट कैन रिपीट अप टू द इन्फाइनाइट। स्टार कहाँ तक जाता है, अप टू इन्फाइनाइट। यही डेफिनेशन आएगी इसकी भी, L1 LGS। एक S1 आए, S1 क्या करेगा, अपने आप को प्रोड्यूस करेगा और S को प्रोड्यूस करेगा, और S एक्चुअली स्टार्ट वेरिएबल है ग्रामर का, जो ग्रामर आप प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी परम्यूटेशन करवा रहे हैं।